अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज हमारे साथ कंट्रेक्टर एसोसिएशन के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हैं फारूक सिद्दीकी साहब हैं। फारूक सिद्दीकी साहब से कुछ क्वेश्चंस करते हैं, उन क्वेश्चंस के जवाब भी लेने की कोशिश करेंगे। फारूक साहब, बहुत सारे कंट्रेक्टर से हमारी मुलाकात हुई, बहुत सारे मुतालबात हैं उनके, आप एज ए डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट आपने उनके मुतालबात किस हद तक उजागर किए, हमें डिटेल में बताइए। शुक्रिया तौसीफ साहब। पहले तो मैं ये कहूँगा तौसीफ साहब, इस वक्त किश्तवाड़ के हर इलाके में तौसीफ साहब जाकर किश्तवाड़ की आवाम के लिए एक जागरूकता पैदा कर रहे हैं। तो पहले तो शुक्रिया करेंगे तौसीफ साहब का कि इनकी बदौलत हम इस वक्त अपनी जो एसोसिएशन की हमारी डिमांड्स है एडमिनिस्ट्रेशन से और कंसर्निंग डिपार्टमेंट से हम उन तक पहुंचा सके, शुक्रिया जी। ज़रूर, सबसे पहले तौसीफ साहब मैं ये कहूँगा कि इस वक्त ठेकेदार जो है खासकर किश्तवाड़ में बहुत ही ज़्यादा मुश्किलात में है। किश्तवाड़ का ठेकेदार तकरीबन 80% जो है वो मिडिल क्लास में आता है और इस 80% ठेकेदार के साथ यहाँ की 75-80% आवाम जुड़ी हुई है, जिसका कि एडमिनिस्ट्रेशन को इस वक्त तक इस तबके का कोई भी किसी भी किस्म का ख्याल नहीं है और हमारे जो कंसर्निंग डिपार्टमेंट हैं उनको भी इस लेवल में लिया गया है कि ठेकेदार की तरफ कोई नज़र भी नहीं कर रहा है। सबसे पहले तो ठेकेदारों का इस वक्त जो पेंडिंग पेमेंट्स हैं वो हमारी भरी पड़ी हुई है हर डिपार्टमेंट के साथ, चाहे वो R&D हो, चाहे वो PHE हो, चाहे वो KDA है, चाहे वो CVPP हो, चाहे वो कीरू हो, क्वाड हो, डलहस्ती है, तो सारे डिपार्टमेंट्स जो है इस वक्त इग्नोर किए हुए हैं ठेकेदार को। उसके बरक्स हम ये देख रहे हैं, मेरा पहला पॉइंट ये है कि हमारे एक्सिन साहब जो PHE के हैं उनके पास एरीगेशन डिपार्टमेंट है, एरीगेशन का भी एक डिवीजन है उनके पास, उन्होंने एक NIT सर्कुलेट की है इस वक्त जो बहुत ही ठेकेदारों के साथ नाइंसाफी है। उन्होंने इस NIT में अपना जो टेंडर निकाले हुए हैं वो दक्षिण एरिया के साइड हैं और वो एरीगेशन से मुतल्लिक हैं। उन्होंने सबसे बड़ा अमाउंट जो एरीगेशन का इस वक्त निकला हुआ है 1,80,00,000 का एक कूल है, 1,40,00,000 की दूसरी कूल है और 1,00,00,000 की तीसरी कूल है, जिसमें हमारे PHE के जो ठेकेदार कंसर्निंग है तकरीबन 25-30 ठेकेदार एडजस्ट हो सकते थे, लेकिन उनका ये कहना है कि मुझे गाइडलाइंस है, मैंने बड़ा टेंडर निकालना है, मेरे पास ये है। ठेकेदार लोग काम पकड़ते हैं, बीच में छोड़ देते हैं, तो वो जो ठेकेदार ला रहे हैं जिनके लिए वो टेंडर निकाल रहे हैं, तो मेरी तो सबसे पहले अपनी तरफ से उनको रिक्वेस्ट है कि उसको पार्ट वाइज किया जाए और कम से कम उसमें जब वो 20,00,000, 25,00,000, 50,00,000 का पार्ट निकालेंगे तो हमारे 30-40 ठेकेदार एडजस्ट हो सकते हैं और काम अच्छी तरह चलेगा। तो मेरी तो ये रिक्वेस्ट है उनसे है। दूसरी रिक्वेस्ट हमारी एडमिनिस्ट्रेशन से है, DC साहब से, खासकर DC साहब से, क्योंकि पुराने DC साहब ने जब हमारा कंट्रेक्टर एसोसिएशन का वफद उनके पास चला गया तो उन्होंने हमें वहाँ पर एश्योर किया और उन्होंने इसके पार्ट्स करवाए, उन्होंने भी निकाली थी उस वक्त भी निकाली गई पार्ट्स करा के एस्टिमेट भी बने हुए हैं डिपार्टमेंट के पास, लेकिन उन पर गौर नहीं किया। मेरी फ़ोन पर बात हुई एक्सिन साहब से, उन्होंने कहा जी मेरी गाइडलाइंस है, मैं कुछ नहीं कर, मैंने कहा DC साहब ने हमें अप्रूव किया है, एश्योर किया है और उन्हें पार्ट्स भी निकाले हैं, हाँ जी पार्ट्स बने हुए हैं, आपके एस्टिमेट बने हुए हैं, लेकिन मैं मजबूर हूँ। तो ये कौन सी मजबूरी है? मैं यहाँ पर चाहूँगा एडमिनिस्ट्रेशन को और DC साहब को खासकर, क्योंकि COVID-19 चल रहा है, हमारा पूरा वफद उनके पास नहीं जा सकेगा, लेकिन मैं 2-3 आदमी लेकर उनके पास आऊँगा ज़रूर और उनसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ आपके माध्यम से भी और अपनी तरफ से भी कि इसमें जल्द से जल्द गौर किया जाए। दूसरा, जो हमारा यहाँ का, हमारे यहाँ के जो R&B डिपार्टमेंट है, PHE है या KDA है या दूसरे कंसर्निंग डिपार्टमेंट हैं, उनसे मेरी रिक्वेस्ट होगी कि जल्द से जल्द ठेकेदारों की पेमेंट्स जो है वह गुजार करें और टेंडर जो निकाले हुए हैं
तो इसमें फिर एडमिनिस्ट्रेशन को मैं एक बार मुलविस करना चाहता हूँ। अगर कोविड 19 चल रहा है, लॉकडाउन चल रहा है, तो NIT जो निकाली हुई है, तो हमारी तरफ से कोई भी, हमें कोई गाइडलाइन नहीं दी गई है, लेबर यहाँ पर नहीं है या है, आप किस तरह से बनाओगे, किस तरह क्या करोगे, तो उसके लिए कोई एक नोटिफिकेशन निकाले कंट्रैक्टर एसोसिएशन की तरफ के लिए कि किस तरह से वो काम करेंगे। अगर NITs निकाली हैं उन्होंने नए कामों की, तो किस तरह से काम किया जाए, उनके लिए क्या क्या पास बनने चाहिए, किस तरह के पास बनाएंगे वो। और दूसरा एडमिनिस्ट्रेशन से ये रिक्वेस्ट है, और अगर वो टेंडर निकाल ही रहे हैं इस वक्त, क्वायरीज की तरफ DC साहब का ध्यान दिला दूंगा। यहाँ पर कोई भी क्वायरी अभी तक फिक्स नहीं हुई। अब जहाँ से भी हो सकता था, जिस ठेकेदार से, जिस सप्लायर से वो सैंड स्टोन वगैरह लाता था, इस वक्त महारा दाढ़ी उनकी पड़ी हुई है। कोई गाड़ी रात को जाती है रेत लाने के, कभी चोरी से, कभी कुछ। इसके लिए मेरी रिक्वेस्ट है DC साहब से कि वो क्वायरीज फिक्स कर दें, जो भी उसके ऊपर जो GST होगा, जो कुछ भी होगा, ठेकेदार पे करने के लिए तैयार है, सप्लायर पे करने के तैयार है, लेकिन हमें क्वायरी फिक्स नहीं है, इसके लिए भी ये कहूँगा। और दूसरा ये जो मैंने अभी रिक्वेस्ट की, हमें काम किस लिहाज से शुरू करना है, कहाँ से हमारे पास बनेंगे, किसकी क्या अप्रूवल है, हमारे पास पहले ही अलाटमेंटें इतनी पड़ी हुई हैं कि हम काम करने के लिए तैयार हैं, लेकिन लेबर और बाकी एडमिनिस्ट्रेशन की वजह से हमारे काम रुके पड़े हुए हैं, क्योंकि उन्होंने काम रुकाया हुआ है। अब मेरा ये जो है, ये मेन मुद्दा था हमारा। मैं अब यहाँ के मंत्री साहब जो हमारे हैं, सबका MLA सुनील शर्मा जी, और वो हमारे सबका मंत्री भी रहे, कैबिनेट रैंक के हैं और रूलिंग पार्टी इस वक्त है, उनसे मेरी एक मौदबाना गुजारिश है, रिक्वेस्ट है, क्योंकि इस तबके के साथ वो बहुत ज़्यादा जुड़े हुए हैं। वो बेसिकली खुद ही एक ठेकेदार थे और इसी एसोसिएशन की बदौलत पहला काम उनको मिला है। तो मैं ये चाहूँगा कि वो इस वक्त के हमारे जो सियासतदान थे पहले, वो भी इसी एसोसिएशन की बदौलत इस वक्त चल रहे हैं। तो मैं चाहूँगा, सुनील जी से पर्सनली रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि वो इसमें हमारा शेयर करें, हमारी हर जगह मदद करें, एज ए ठेकेदार बनकर हमारी मदद करें, क्योंकि इस वक्त जो ठेकेदारों की मदद करेगा तो उसमें शायद पहला नाम उनका आ जाए, और जिसमें वो हमारी मदद आराम से कर सकते हैं। उसके लिए तो एक्सिन PHE एक्सिन को वो हिदायत दे दें, वो या रिक्वेस्ट करें किस तरह क्या करना चाहते हैं। तो मैं इस मुद्दे को उन्हीं की बदौलत लेकर CVPP की तरफ जाता हूँ, डलहस्ती CVPP कीरू और क्वार की तरफ। सुनील जी, एक बहुत ही शर्मसार बात इस वक्त ठेकेदारों के लिए आ रही है। वो शर्मसार बात यह है कि मामूली से स्वीपिंग के कॉन्ट्रैक्ट्स निकाले हुए हैं डलहस्ती ने, CVPP ने, कीरू ने, क्वार ने, उसके लिए हमें क्वालिफिकेशन मांगी जाती है। ठीक है, क्वालिफिकेशन वो मांग रहे थे पहले से ही, आज भी मांग रहे हैं, लेकिन मैं ये बावर कराना चाहता हूँ एडमिनिस्ट्रेशन को भी, खासकर DC साहब को, कि यहाँ के लोकल ठेकेदार जितने भी काम कर रहे हैं, तो उसमें ये जो CVPP या डलहस्ती या ये डिपार्टमेंट हमें एक्सपीरियंस मांग रहे हैं बाकी चीज़ों का, तो वो हम प्रोवाइड कर ही रहे हैं। लेकिन बदकिस्मती से इस वक्त जो वो जो NITs निकाली हुई हैं, वो स्ट्रिक्टली डैम पावर हाउस की मेंटेनेंस है, डैम और पावर हाउस की मेंटेनेंस है, जिसको एक बाहर का ठेकेदार आके 25 साल से निभा रहा है, और 25 साल से हमारे बच्चे उसमें काम कर रहे हैं। कोई 25,000 की पेपर है, कोई 30,000 की, कोई 15,000 की, कोई 10,000 की पेपर है। काम सारा का सारा हम कर रहे हैं और ठेकेदार बाहर से। इसी तरह हमारे PHE के एक्सिन साहब चाहते हैं कि ठेकेदार दिल्ली का हो, जम्मू का हो, कश्मीर का हो, और काम यहाँ के आदमी करे। तो मेरी ये रिक्वेस्ट है कि इन डिपार्टमेंटों से, और खासकर एडमिनिस्ट्रेशन से और सुनील जी से, कि इसमें शेयर लेकर एज ए ठेकेदार, एज ए हमारे यहाँ के सबका MLA बन के, और सबका जो हमारे मंत्री रह चुके हैं आप, तो वो इसमें हिस्सा ले लें और हमारी भरपूर इसमें मदद करें। दूसरा सवाल हमारा जो आता है वो है कि इस तबके के साथ जो इस वक्त मजाक किया जा रहा है
एडमिनिस्ट्रेशन की और कंसर्निंग डिपार्टमेंट जो हमारे साथ ये कर रहे हैं खेल, इसमें मैं चाहूँगा कि हमारा जो पूरे ठेकेदार्स हैं उनके लिए ये जो नोटिफिकेशन निकालेंगे उसको हमारे यहाँ की लोकलिटी और हमारे यहाँ के लोग जो कंसर्निंग है, जो कंसर्निंग हमारे हैं लोग, जो कंसर्निंग डिपार्टमेंट्स हैं, वो इसमें भरपूर हिस्सा लें और जो भी बात हमारी है उसको गौर से वो सुन लें, जिसकी बदौलत हमें यहाँ के अवाम जो कम से कम 80% जुड़ी हुई है उसको फ़ायदा हो जाए। और उसके बाद मैं दूसरी तीसरी लाइन पर आ जाता हूँ जो यहाँ की बाहर की प्राइवेट कंपनियाँ हैं, जैसे अफगान है, जेपी है, वहाँ पर मेरे ठेकेदारों की बहुत सारी पेमेंट रुकी हुई है, तो मैं चाहूँगा कि वो सबसे पहले उस पेमेंट को रिलीज़ कर दें और ठेकेदार अपना गुजर बसर बरकरार रखें। इसके बरक्स हमारी यहाँ पर नई कंपनी हीरू के लिए पटेल आई है, जो आज 4-5 दिन से यहाँ पर बैठी हुई है, और LNT जो दूसरी कंपनी क्वाड के लिए, और उनको HRT भी मिल गई है पकल की, तो उनसे भी यही रिक्वेस्ट है मेरी कि सबका कंपनियों की तरह वो किसी भी वसवसे में ना आए, किसी भी वसवसे में ना आए कि ये फलानी आदमी हमारी सपोर्ट करेगा उसको काम दें। जिस तरह अफगान खराब हो चुकी है, जिस तरह JP खराब हो चुकी है यहाँ पर, उसी तरह उनका भी हाल होगा, हशर होगा। मैं चाहूँगा कि वो एसोसिएशन को हाथ में लेकर अपने काम बांटे और उन कामों में यहाँ के लोकल ठेकेदार जितने भी हैं वो एडजस्ट करें, और यहाँ के लोकल लड़के जो स्किल्ड हैं, अनस्किल्ड हैं, उनको भर्ती करें। उसके बाद यहाँ पर डिप्लोमा होल्डर्स हमारे हैं, उनको भर्ती करें। उसके बाद जब कोई बचता है तो उसको बाहर से लाए, जो हमारा एग्रीमेंट उनके साथ है। अगर इस बार पटेल ने या LNT ने इसमें कोताही की तो हम ये चाहेंगे रिटले की तरह ये प्रोजेक्ट भी बंद हो जाएं दोनों, तो हम काम नहीं करने देंगे, किसी भी हालत में हम काम करने देंगे, क्योंकि ये हमारा हक बनता है किश्तवाड़ के ठेकेदार का काम करने का और हमारी लेबर का काम करने का। हमारी स्किल्ड लेबर जो फोरमैन्स हैं, हमारे ऑपरेटर्स हैं, हमारे यहाँ डिप्लोमा होल्डर हैं, वो उनका हक बनता है पहला काम करने का। अगर हमारे इलाके में बफ पड़ा हुआ है प्रोजेक्टों का, पकल डूल, करथई, रिटले, कीरू क्वाड़, डहस्ती, तो अगर यहाँ की ही आवाम को, यहाँ के ही लोगों को, यहाँ के ही नौजवानों को, यहाँ के बच्चों को उसकी सहूलियत नहीं मिले तो इन प्रोजेक्टों का हमारे लिए कोई फायदा नहीं है। हम चाहेंगे ये प्रोजेक्ट बंद हो जाए। इसलिए मैं मौदवाना गुजारिश कर रहा हूँ दोनों कंपनियों से, पटेल से भी और LNT से भी, अफगान से भी। इस वक्त आज नए सिरे से हम शुरू करने वाले हैं, इस एसोसिएशन की तरफ से एक मेमोरेंडम जा चुका है अफगान को और JP को कि हमारी पेमेंट्स वहाँ गुजार करें बैलेंस, और खासकर स्किल्ड ठेकेदार जो हमारे काम करने वाले हैं उनको काम दिया जाए, न कि आम एक आदमी को वो काम दे रहे हैं जो उनका कच्चा चिट्ठा छुपा सकता है। उनकी जो लेवल्स आप देखेंगे इस वक्त, तब जितने भी आर वाल्स, ब्रेस्ट वाल्स JP की लगी हुई हैं डंगडूरू में, आपको कोई भी नजर नहीं आएगी, क्योंकि वो अनस्किल्ड आदमियों को दी गई। और उसमें इसलिए बाहर के गुजरात से एक ठेकेदार को बुलाया गया है जिसके वहां पर काम चल रहा है। मैं चाहूंगा कि JP इस पर पूरा ध्यान दे, अफगान इस पर पूरा ध्यान दे और हमारी पुरानी पेमेंट्स वहाँ गुजार करे। तो मैं तौसीफ साहब आपका शुक्रिया चाहता हूँ कि इसको अगर बढ़ाना चाहूँ तो बहुत बढ़ सकता है, क्योंकि हमारी तकलीफें ही इतनी ज़्यादा हैं ठेकेदारों की कि मैं आपको थोड़ा सा एक और वक्त ले लूँगा, जिसके लिए मैं कहूँगा कि हमारे ठेकेदार के जो लफ्जी माने हैं वो है मजदूर, एक बड़ा मजदूर, ठेकेदार का मतलब है बड़ा मजदूर। तो मैं चाहूँगा कि जो इस वक्त मजदूरों की प्रॉब्लम है, और मजदूर वो इंसान है इस वक्त जिसने महाराष्ट्र से लेकर लखनपुर तक सारे हिंदुस्तान को बंद कर दिया गया है। अगर हमारी ये डिमांड्स एडमिनिस्ट्रेशन और वक्त के कंसर्निंग डिपार्टमेंटों ने नहीं मानी और ये प्राइवेट कंपनियां नहीं मानेगी, तो जब महाराष्ट्र से लेकर लखनपुर तक बंद हो सकता है तो किश्तवाड़ भी पूरा बंद हो सकता है। अगर हमारे लड़कों को बाज़ाब्ता नौकरियां नहीं दी गई, उनको यहाँ की स्किल्ड लेबर या जो है और अनस्किल्ड है उनको काम नहीं दिया गया, तो मेरी ये रिक्वेस्ट होगी तौसीफ साहब
कि बाज़ाब्ता ये डिपार्टमेंट्स जो हैं, मैं शुक्रगुजार रहूँगा इनका और सारी कंपनियों का, और ख़ासकर जो डलहस्ती की प्रोजेक्ट जो है हमारा यहाँ, इनका हेड जो है वो NHPC है, और NHPC के थ्रू जो डलहस्ती या कीरू कौड़ वगैरह हैं, तो मैं इनसे यही मोहतरमाना फिर एक बार मोहतरमाना रिक्वेस्ट करूँगा कि वो इस मेरी इस रिक्वेस्ट पे गौर करें। और ख़ासकर मैं मंत्री जी से फिर एक रिक्वेस्ट करूँगा हमारे सुनील जी से कि वो इसमें शाना बशाना हमारा हाथ बटाएं और हमारे साथ इन मुश्किलात में इस वक्त साथ आ जाएं, और जो मुश्किलात ठेकेदारों की है उसको हम हल कर सकें मिलकर। शुक्रिया तौसीफ़ साहब, और आपका मैं इस वक्त बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ।